please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं हरी। सुबह हो या शाम, खबर घटे सरेआम। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बच्चा चोरी की अफवाह फैलने के बाद एक आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गुजरात के वडोदरा में एक छड़ी को जादुई बताकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और झारखंड के चाईबासा में नई शराब नीति लागू होने पर प्रशासन ने हजारों लीटर शराब की पेटियां एक गड्ढा खुदवा कर दफन करवाई। गुजरात के वडोदरा में स्कूल में एक छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र का शव स्कूल के टॉयलेट में मिला है। आरोप है कि स्कूल के ही एक छात्र ने इसकी हत्या की। आरोपी छात्र के बैग से धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। हम आपको यह भी बता देंगे, कुछ वक्त पहले ही गुरुग्राम के भी एक स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र का शव मिला था और टॉयलेट में शव मिलने के बाद इसकी पड़ताल हुई, जिसकी हत्या का आरोप स्कूल के ही एक दूसरे छात्र पर लगा था। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, क्या पता चल पाया है आरोपी छात्र के बारे में, आखिर क्यों हत्या की गई? देखिए, ये 9वीं और 11वीं के छात्रों के बीच में गैंग वॉर की बात सामने आ रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से दो जो ग्रुप अलग अलग हैं उनके बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस चल रही थी और बहस में दो जो लड़के हैं उनके बीच है ये काफी मामला गरमाया था। लंबे समय से मामला चल रहा था, लेकिन जब स्कूल रीओपन हुई अभी हाल ही में गुजरात में स्कूल रीओपन हुई उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ा था। और आज जिस तरीके से कथा सामने आई, जब पिछली छठ है वो समय बाथरूम की ओर जा रहा था, तभी दूसरे जो 11वीं में कक्षा में जो पढ़ने वाला छात्र था उसने सीधा ताबड़तोड़ हमला बोल दिया और धारदार हथियार से इस हद तक उसकी पिटाई की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने जो छात्र है 11वीं में पढ़ता जो अभी माइनर है उसको अभी हिरासत में लिया है। और जो अभी इनिशियल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोनों गुट के बीच में गैंग वॉर की बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में तफ्तीश कर रही है। लेकिन स्कूल के प्रशासनिक लोग कुछ कह पा रहे हैं इस बारे में? देखिए, स्कूल के जो प्रिंसिपल से जो पूछताछ हुई उसमें ये बता रहे हैं कि उनको इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी कि स्कूल के भीतर इस तरीके के जो ग्रुप के बीच में बवाल मचा हुआ शुरू में रहा, लेकिन वो स्कूल के बाहर का रहा, लेकिन जब ये दोनों के बीच में जो झड़प हुई वो स्कूल के भीतर हुई है, स्कूल के बाथरूम में हुई। फिर भी पुलिस अलग अलग बयान ले रहे उसके बाद पर तफ्तीश करके इसमें पूरी जानकारी सामने आ रही। शुक्रिया जनाब। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक नदी के किनारे जमीन पर गिरे एक आदमी को एक आदमी डंडे से पीटने लगा। बताया गया कि वहां बच्चा चोरी की अफवाह फैलने के बाद गांव के लोगों ने इस आदमी को बच्चा चोर होने के शक में पकड़ लिया और फिर उसे एक नदी के किनारे ले जाकर पीटने लगे। लोगों के बीच गिरा ये आदमी जब जमीन पर गिर गया तो एक आदमी उसके पास आया और उसने पास में पड़े एक डंडे को उठा लिया। फिर उसने नीचे गिरे आदमी पर एक के बाद एक कई बार करने शुरू कर दिए। आसपास खड़े लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इनमें एक आदमी इस पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि गाँव वालों ने बच्चा चोरी का इल्जाम लगाकर उस आदमी को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बदायूं में कुछ पुलिस वाले एक मशीन की मदद से वहां बनी एक अवैध चौकी को तोड़वाने लगे। दावा किया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू करने से पहले पुलिस ने ये कार्रवाई की, जिसके लिए सबसे पहले कचहरी चौराहे के पास सड़क किनारे अवैध तरीके से बनी पुलिस चौकी को ही हटाने का फैसला किया गया और पुलिस ने खुद ही एक मशीन मंगवाई, जिसके बाद पुलिस चौकी को खाली कर मशीन की मदद से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच वहां आसपास के लोग भी जुट गए। पुलिस के एक चौकी बनी थी, वो सड़क के ऊपर बनी थी, सड़क के किनारे बनी हुई थी, उसको आज अपने आप से हटा लिया है। उस चौकी को ये संदेश देने के लिए बताया है कि बाकी लोग अपना अपना अतिक्रमण हटा लें। माना जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों पर भी अवैध निर्माण हटाने का दबाव बढ़ेगा। बिहार के खगड़िया में जमीन पर पड़े एक 12 साल के बच्चे के शव के पास उसकी माँ दहाड़े मारकर रोने लगी। आरोप है कि बच्चा बगीचे से आम तोड़ने गया था, जहाँ एक आदमी ने उसके सिर में गोली मारी, जिससे बच्चा वहीं गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मासूम की हत्या की खबर मिलते ही घर वालों में मातम छा गया और बच्चे की माँ जमीन पर गिर कर रोने लगी। बच्चे के शव को देखते ही उसके पिता भी मातम में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आरोपी की तलाश करते दिखे। परिजनों का दावा है कि आरोपी रमा यादव बच्चे को गोली मारने के फौरन बाद हथियार लेकर मौके से फरार हो गया। राम यादव दो वो फिंगर टेक बेल्ट गोली लेके भागते हुए देखते हम सब रहते थे, पकड़ नहीं।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, पुलिस इसमें इस मामले को छानबीन कर रही है। दिल दहला देने वाली इस वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि आम तोड़ने पर कोई किसी की हत्या कर सकता है। गुजरात के वडोदरा में एक आदमी ने एक लकड़ी की छड़ी पानी में डाल दी, जिसके बाद वो तेज रफ्तार से पानी में सांप की तरह बहती चली गई। आरोप है कि एक गिरोह ने इस छड़ी को जादुई बताकर आम लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की, जिसके लिए आरोपी अपने मोबाइल में पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो आम लोगों को दिखाते थे। वीडियो में छड़ी को पानी में डालते हुए दिखाया जाता तो पानी में जाते ही तेज रफ्तार से सांप की चाल में बहने लगती। आरोप है कि इसी छड़ी को जादुई बताकर गिरोह के सदस्यों ने लोगों से इस छड़ी के एक इंच टुकड़े की कीमत 1.5 करोड़ ली। हालांकि ठगी करने वालों का फरेब ज्यादा दिन नहीं चल सका और पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 4 मोबाइल फोन और लकड़ी की छड़ी भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक छड़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो पानी में जाते ही बहने लगती, जिसकी कुल कीमत 27 करोड़ बताई जाती थी। भोपाल में कार से कुचलकर आदमी की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से एक बंगाल टाइगर को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व लाया गया। ये पहली बार हुआ जब किसी टाइगर रिजर्व से बंगाल टाइगर को दूसरे राज्य भेजा गया। पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित लेखक चार्ल्स क्रॉथेमर का 68 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। टीवी कलाकार रूबीना दिलैक का शिमला में बॉयफ्रेंड अभिनव दुबे के साथ शादी के मंडप में एंट्री करते वक्त घूंघट में डांस का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अभिनेत्री काजोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शॉपिंग मॉल में अपने बॉडीगार्ड के सुरक्षा घेरे के बीच चलते हुए अचानक फर्श पर फिसल कर गिर पड़ी। नो वन किल्ड जेसिका रेड जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने 7 साल के लंबे रिश्ते के बाद अपनी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री मारा कर्ण से झारखंड के रांची में एक निजी समारोह में शादी कर ली। राजस्थान के कोटा में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर के एक हिस्से से टकराकर अचानक पलट गई। दावा किया जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसका वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि तेज रफ्तार में एक कार सड़क पर बने डिवाइडर के एक हिस्से से टकराई और वहीं पलट गई, जिसके बाद कार में फंसा हुआ एक आदमी बाहर आने की कोशिश करने लगा। विज्ञान नगर थाना इलाके में फ्लाईओवर के पास बीच सड़क पर हुए इस हादसे को देख आसपास मौजूद लोग भी भागकर वहां पहुंचे और कार में फंसे आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कार को सीधा करवाया और कार में सवार दोनों आदमियों से पूछताछ की। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कुछ लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे। आरोप है कि जमीन के विवाद में दो बख्शों के बीच गोलियां चली, जिसमें एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसका एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे को डंडे से पीटते हुए दिखाई दिए। इसके बाद एक पक्ष के लड़के ने दीवार के सहारे खड़े होकर दूसरे पक्ष पर फायरिंग की, जिसकी एक गोली सामने खड़ी एक महिला के पेट में लगी। महिला को गोली लगते ही वहां कोहराम मच गया और उस महिला के कुछ रिश्तेदार दहाड़े मार कर रोने लगे। बताया गया कि बेसारा गांव में दो पक्षों में कई साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन गुरुवार को ये खूनी रंजिश में बदल गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हालांकि खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के चाईबासा में एक सुनसान जगह पर एक डंपर में लदी शराब की पेटियों को एक गड्ढे में गिराया गया। झारखंड में नई शराब नीति लागू होने की वजह से पुराने स्टॉक की शराब को नष्ट करवा दिया गया, जिसके लिए पहले एक मशीन से एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और फिर शराब से लदे एक डंपर को इस गड्ढे के पास इस तरह से लगाया गया कि जैसे ही उसका पिछला हिस्सा खोला गया, हजारों लीटर शराब की सभी पेटियां गड्ढे में जा गिरी। पुराने स्टॉक की शराब और बियर को इसलिए नष्ट करने के लिए दुकानों से निकाला गया क्योंकि नई शराब नीति के तहत इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। स्टॉक तो किसी कंपनी का पड़ा रह गया, वो कंपनी वाले अगले फाइनेंशियल ईयर में उस लेवल का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। बताया गया कि दफन की गई शराब और बियर की पेटियों का आखिरी रजिस्ट्रेशन 2015-16 के लिए ही हुआ था। हालांकि उस स्टॉक की पूरी शराब बिक नहीं पाई थी, इसलिए कारोबारियों ने स्टॉक में ज्यादा माल रह जाने की वजह से उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और अब उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। रूस के संग्रस्त शहर में फुटबॉल मैच से पहले लाइव रिपोर्टिंग कर रही एक महिला पत्रकार को एक आदमी उसके गाल पर किस करके भाग गया। पत्रकार के साथ बदसलूकी की ये घटना उस वक्त हुई जब वो फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए लाइव चैट दे रही थी।
लेकिन इसी बीच जूलियट गोंसालेस थोरॉन नाम की इस पत्रकार के पास एक आदमी अचानक आया और उसने जूलियट को गंदी तरह से जकड़ लिया। इसके बाद उसकी छाती पर हाथ रखते हुए उसने पत्रकार के गाल पर किस किया और वहां से भाग गया। जूलियट उस वक्त लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी और सरेआम हुई इस घटना के बावजूद उन्होंने अपना काम बिना किसी रुकावट के जारी रखा। लेकिन बाद में कोलंबिया की रहने वाली इस पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और फुटबॉल वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग के दौरान अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया और इसे यौन उत्पीड़न का मामला बताते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। हम इस तरह की खराब रवैये के हकदार नहीं हैं। हमारा काम भी अहम है और हम भी बराबरी से पेशेवर हैं। मैं फुटबॉल की खुशी को शेयर करती हूं, लेकिन हमें प्यार और शोषण के बीच फर्क समझने की जरूरत है। हर बार ऐसे प्रशंसक होते हैं जो आपका अभिवादन करते हैं, आपसे सम्मान से पेश आते हैं, लेकिन इस शख्स ने हदें लांघ दी। जर्मनी के DW यानी डॉयचे वेले न्यूज चैनल ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के समय अपने रिपोर्टरों के साथ हुई इस घटना की निंदा की और इसे हमला और सरेआम उत्पीड़न बताया। वहीं पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी के बाद सोशल मीडिया पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई लोगों ने इस घटना को मजाक करार दिया तो कुछ लोग ने रिपोर्टर के साथ हुई घटना को शर्मनाक बताया। इस बीच जर्मनी के न्यूज चैनल डॉयचे वेले ने जूलियट के साथ बदसलूकी करने वाले आदमी को खोज निकाला और उसकी जूलियट के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए बात भी करवाई, जहां रुस्लान नाम का आरोपी पत्रकार से माफी मांगने लगा। आरोपी से बातचीत के समय पत्रकार जूलियट ने उसे आगे कभी ऐसा ना करने की हिदायत भी दी। मुंबई में पत्रकार के साथ RPF के जवानों पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगा। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर AC लोकल ट्रेन में कूलिंग न होने के बाद लोगों की शिकायत के समय पूरी घटना को शूट कर रहे पत्रकार के साथ RPF के जवानों पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगा। गंगा और दूसरी नदियों में गंदगी फैलने के आरोपों के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग समेत पानी से जुड़े सभी खेलों पर सरकार की नीति बनाने तक पाबंदी लगा दी। अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वाले परिवार के साथ पकड़े गए बच्चों से मुलाकात के समय मेलानिया ट्रंप की ओर से पहनी गई जैकेट पर आई रियली डोंट केयर डू यू लिखे होने पर हुए विवाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी कि ये संदेश फर्जी न्यूज मीडिया के लिए था। इंग्लैंड ने डरहम में खेले गए चौथे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 5 मैच की सीरीज में 4-0 की बढ़त बना ली। सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में दोनों छोर से नई गेंदों के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए ट्वीट किया कि इस नियम की वजह से गेंद को पुराना होने में वक्त लग रहा है, जिससे मैच के आखिरी ओवरों में रिवर्स